बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद आशिक, सीनियर साइंटिस्ट एग्रोनॉमी अयूब रिसर्च फैसलाबाद। आज की वीडियो में मैं सफ़ेद मक्खी, सब्ज़ तेला और डस्की काटन बग, ये कपास में इनको कैसे कंट्रोल करना है। आपको पता है कि सफ़ेद मक्खी और सब्ज़ तेला ही जो है ना, ये इसके अहम तरीन कीड़े हैं रस चूसने वाले। बाकी डस्की काटन बग का अटैक हर इलाके में नहीं होता, बाज़ इलाकों में हो जाता है, बाद में कम होता है, बार क्या ये भी काफ़ी नुमाया होकर उभरता आ रहा है। सफ़ेद मक्खी के लिए आप याद रखें कि मतोई जो है ना, ये जाफर एग्रो की प्रोडक्ट है, इसकी ये 200 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल की जाए तो इससे ज़्यादा लंबे दौरानिया के लिए कोई भी जहर नहीं मारती। आपको पता है कि ये उसके बच्चे और अडल्ट दोनों को मारती है। मतोई जो है, इसका दौरानिया 15 से 18-20 दिन तक जो है ना, पायरी फ्लू क्यूनाजोन जो है इसके अंदर वो एक्टिव इन्ग्रीडियंट है, तो इसका दौरानिया काफ़ी तवील है। इस हवाले से ये बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। इसकी कीमत 3800 रुपये है 200 ग्राम की, तो ये इसकी कीमत का बहुत ज़्यादा होना ये एक सवालिया निशान है। बाहर के फिर उन्होंने 50 ग्राम की पैकिंग भी दी है जिसकी कीमत 1100 रुपये है। तो अब बप्रोफ्यूजिन या सीटामेप्रेड वगैरह जो है ना, उनके खिलाफ तो सफ़ेद मक्खी बहुत सख्त जान हो चुकी है। ये नए मालिक्यूल, नई जहरें इस्तेमाल किए बगैर हमें अब चारा नहीं है। तो इसी तरह सेफिना जो है, फीडोपायरोपिन, ये भी SF की प्रोडक्ट है, यानी कि एंग्रो वाले जो इसको सेल करते हैं। ये सफीना जो है, मैं समझता हूँ कि तेला और सफ़ेद मक्खी दोनों को इक्वली मारती है। अगर ये तेले को ज़्यादा मारती है, सफ़ेद मक्खी के ऊपर थोड़ा सा इसका एज कम है, लेकिन ये दोनों के अंडे बच्चे मारती है। 400 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करके इसको, ये नया मालिक्यूल है, तो ये इसको आप आजमा के देखें। ये 15-20 दिन तक जो है ना, इसका अफाका रहता है। ये 2600 रुपये की ये प्रोडक्ट है। तो अब आ गया कि ये 2600 रुपये और ये 3800 रुपये, कोई 1000 रुपए वाली बात बताएं तो वो काफ़ी, मैं समझता हूँ, मुश्किल है। उलाला जो है, अगर हम 60 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें तो तेला तो वो मारेगी, लेकिन सफ़ेद मक्खी को वो पूरी तरह एड्रेस नहीं करती। सफ़ेद मक्खी को भी एड्रेस करना है तो उलाला जो है, जो कि ICI की प्रोडक्ट है, 80 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये भी 2 हफ्ते तक इसको कंट्रोल करती है। तो इसकी कीमत भी 2600 रुपये, यानी सफीना कर लिया जाए या उलाला कर लिया जाए। उलाला जो है ना, ये आजमोदा है ज़्यादा, इसको देखा हुआ है। सफीना को मैं समझता हूँ कि एक हवाले से इस वजह से बेहतर है कि ये ज़्यादा लंबे अरसा के लिए उलाला के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर कंट्रोल मुहैया करती है। बेसिकली ये दोनों प्रोडक्ट जो है ना, तेले के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव हैं, सफ़ेद मक्खी के ऊपर जो है ना, इसको प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल करके एक्सटेंड किया जा सकता है। अगरचे ओशन जो है, जो जैसा कि डाइनोटीफ्यूरान 100 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से ये इस्तेमाल किया जाए तो ये भी चुस्त तेले के ऊपर ये अच्छा खासा है। इसका मैं समझता हूँ कि 90% तक इसका भी कंट्रोल मौजूद है। ये 1000 रुपये में दस्तयाब है, जबकि उलाला जो है 60 ग्राम जो है वो 2600 रुपये में है। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि कीमत के हवाले से आप ओशन इस्तेमाल करना चाहते हैं या उलाला इस्तेमाल करना चाहते हैं। जेंटेंग जो है, जिसके अंदर पाइमेट्रोजीन प्लस डाइनोटीफ्यूरान है, अगर ये 100 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए 950 रुपये इसकी कीमत है। तो जेंटेंग जो है जाफर एग्रो की प्रोडक्ट है, पाइमेट्रोजीन प्लस डाइनोटीफ्यूरान, तो इसको मैंने आजमाया हुआ है, बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। सिर्फ इसकी ये है कि इसकी उतनी मशहूरी नहीं हुई जितनी उलाला या ओशन की मशहूरी है, वरना जेंटेंग इनसे किसी वाले से भी कम नहीं है। तो डस्की काटन बाग जो है ना, ये अगरचे ये रेगुलर उतना कीड़ा नहीं है, लेकिन इसके लिए जो है ना, क्लोथेनिडिन जो है ना, टेलस्टा एक प्रोडक्ट है FMC की, टेलस्टा को मैंने देखा हुआ है कि बग्स के ऊपर रेड काटन बग हो या डस्की काटन बग, इनको बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करती है। तो इसकी कीमत जो है ना 825 रुपये है 200 मिलीलीटर की। बाकी रहा कि मोवेंटो वगैरह जो है ना, वो सफ़ेद मक्खी को अगरचे वो शुरू में अगर छोटी स्टेज के ऊपर हो, सफ़ेद मक्खी की कॉलोनीज डिवेल्प ना हुई हूँ, तो वो बड़ी एक टेक्निकल जहर है, लेकिन उसके लिए बड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इसी वजह से मैंने मोवेंटो का यहाँ पे इसलिए नहीं जिक्र किया कि वो ज़िम्मेदार उससे ना पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं होता। पहले कॉलोनी डेवलप होने से पहले उसको शुरू किया जाए, क्योंकि वो अडल्ट को तो मारती नहीं, वो सिर्फ उसके निम्फ्स जो है ना वाइट फ्लाई के, उनको मारती ज़रूर मारती है। अब जब निम्फ मारती है, अडल्ट उठता स्प्रे के बावजूद अडल्ट उठता हुआ नज़र आ रहा है, तो एक किस्म की ना वो फार्मर की परसेप्शन जो है ना वो नहीं बन सकी। अदरवाइज मोवेंटो का जो है ना, उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाने की ज़रूरत है।